हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक हैं? वेरी गुड। भगवान के आशीर्वाद से आप सब लोग हमेशा खुश रहें, सुखी रहें, दुख आपसे कोसों दूर रहे। ठीक दोस्तों, और आपके परिवार वाले सभी सदस्य हमेशा सुखी रहें, खुश रहें, और भगवान जी का आशीर्वाद उन लोगों को भी हमेशा बना रहे। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपके लिए क्वेश्चन नंबर 6 निर्देशांक ज्यामिति एक्सरसाइज 7.4 का ऐच्छिक, ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 में कंप्लीट करवा चुका हूँ। आज मैं इस वीडियो में आपके लिए क्वेश्चन नंबर 7 करवाऊँ। बहुत ध्यान से देखना दोस्तों, क्योंकि मैथ को बहुत ध्यान से ही देखना चाहिए, ठीक है। और कभी भी आप लोग मैथ करें ना, तो नाइट के टाइम पे मैथ करना, रात में, ठीक। एक रात का ही समय होता है मैथ करने के लिए, बेस्ट अच्छा समय। रात का अर्थ ये है 9 या 10 बजे से आप रात के 11-12 बजे तक कर सकते हैं, ठीक दोस्तों। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, मान लीजिए ए एक बिंदु है, ए के जो निर्देशांक है 4.2, बी के निर्देशांक है 6.5 और सी के निर्देशांक है 1.4। एक त्रिभुज एबीसी के शीर्ष है। एक त्रिभुज है, क्या है? एक त्रिभुज है एबीसी। देखिए ध्यान से देखना दोस्तों, एक त्रिभुज है, ठीक। ये क्या हो गया? एक त्रिभुज। ये ए बिंदु हो गया, बी और सी। एक त्रिभुज एबीसी है जिनके उन्होंने निर्देशांक दे दिए हैं, यानी कि 4.2, 6.5 और 1.4, ठीक। ये इसके निर्देशांक दे दिए। अब आगे क्वेश्चन फिर देखिए कि शीर्ष हैं, क्या है? ये शीर्ष हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहे हैं? ए से होकर जाने वाली माध्यिका, ए से होकर, ए शीर्ष से होकर जाने वाली माध्यिका BC से D पर मिलती है, यानी कि A से जो माध्यिका जाएगी वो BC जो रेखा है उस पर एक पॉइंट D पे मिलेगी। देखिए मिला दीजिए, सबसे पहले ये हमारा हो गया D पॉइंट, ठीक। क्या हो गया? D पॉइंट। तो क्या कह रहे हैं? D के निर्देशांक ज्ञात कर दिए। पहली कंडीशन है, D के निर्देशांक ज्ञात कर लो भैया, ठीक। लो साहब, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर, पहला पार्ट। अब डी के निर्देशांक, तो डी के निर्देशांक, डी के निर्देशांक मैंने पिछली वीडियो में आपके लिए बताया था, जब दो बिंदु हैं और उनके बीच का तीसरा हमें निर्देशांक निकालना है, दो बिंदु के बीच के तीसरे बिंदु का निर्देशांक निकालना है, तो कौन सा फार्मूला यूज करते हैं? x1 + x2 / 2, y1 + y2 / 2, ठीक। निकाल लिए दोस्तों, x1 + x2 / 2, y1 + y2 / 2, ठीक है। अब देखिए यहां पे x1 क्या हो जाएगा भाई? x1 / y1 x2 / y2, ठीक। फार्मूला लगा, फार्मूले में फिट कर दीजिए वैल्यू को। x1 हमारा क्या है? x1 6 प्लस x2 हमारा क्या है? 1 यानी 1/2 कॉमा y1 5 प्लस y2 4/2, ठीक। 6 और 1 7 / 2 कॉमा 5 और 4 9, 9/2, यानी जो हमारा निर्देशांक निकल के आया डी का, वो क्या आया? 7/2 कॉमा 9/2, यानी कि जो डी का निर्देशांक हमारा आया वो 7/2 आया और कॉमा 9/2 आया,
ठीक, अब निकल गया। अब आगे क्या करें इसका, भाई फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक। सेकंड पार्ट क्या करें, ए डी पर स्थित ऐसे बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ए और डी पर एक बिंदु दिन कह रहे हैं कि पी है कोई बिंदु, अब उसका निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो कि एपी और पीडी, जो कि एपी और पीडी का जो रेशियो है, अनुपात है, वो 2:1 है। जाहिर सी बात है 2:1 है। जब अनुपात हो गए तो जाहिर सी बात है एम वन एम टू है हमारा, ठीक। क्या जो अनुपात है वो क्या है, एम वन एम टू, और एम वन एम टू जब अनुपात दिया तो आपको एकदम समझ लेना चाहिए फार्मूला कौन सा यूज होगा, कौन सा, एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन अपॉन एम वन प्लस एम टू कॉमा बाई वन सॉरी एम वन वाई टू प्लस एम टू बाई वन अपॉन एम वन प्लस एम टू, ठीक। चलिए अब हमें पी के निर्देशांक क्या करें, तो पी के निर्देशांक याद कीजिए। सेकेंड पार्ट, पी के निर्देशांक, पी के निर्देशांक देखिए, पी के निर्देशांक निकालने के लिए फार्मूला मैं पिछले ही बता चुका हूँ, एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन अपॉन एम वन प्लस एम टू, ठीक, कॉमा एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन अपॉन एम वन प्लस एम टू, ठीक। भैया रेशियो इन्होंने दे रखा है, क्या रेशियो इन्होंने सेकंड पॉइंट में दे रखा है 2:1, जो मैंने यहाँ पे रेशियो लगा दिया, ये हमारा हो गया एम वन और ये हो गया एम टू, ये हमारा क्या हो गया रेशियो 2:1, ठीक। फार्मूला फिट कर लीजिए भैया, क्या फार्मूला फिट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एम वन, एम वन हमारा हो गया 2 × एक्स टू, अब भैया क्या निकालना है एक्स टू, तो एक्स वन वाई वन और एक्स टू और वाई टू, ठीक। तो भैया एक्स टू हमारा क्या हो गया 7/2, 7/2 प्लस एम टू हमारा 1 हो गया इंटू एक्स वन हो गया हमारा 4 अपॉन एम वन प्लस एम टू यानी कि 2+1 कॉमा एम वन, एम वन 2 इंटू वाई टू, बाई टू 9/2, ठीक, प्लस एम टू, एम टू 1 इंटू वाई वन, वाई वन यानी कि 2/2 एम वन प्लस एम टू यानी 2+1, ठीक। भाई 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक, बचा खाली 7 और प्लस 4 × 4 2 और 1 3 कॉमा इधर भी 2 से 2 कैंसिल हो गया 9 प्लस 2 × 2 देखिए दोस्तों बचा 7 × 4 = 11 11/3 कॉमा 9 × 2 = 11 11/2 यानी कि जो हमारा पी के निर्देशांक निकला वो क्या बोला 11/3 और 11/2 जो हम अब क्या कह रहे हैं। सॉरी यहां पे गड़बड़ हो गई, 2 और 1 3 हो गए, 3 ठीक। अब सेकंड पार्ट क्या कह रहे हैं इसका, सेकंड पार्ट हो गया हमारा। थर्ड पार्ट, माध्यिका बी ई और सी एफ, तो बी ई यानी कि बी से ए सी पे एक बिंदु हो गया ई यानी कि बी ई, ठीक, ए सी पे एक बिंदु हो गया ई, माध्यिका हो गई बी ई और सी एफ, तो सी से जो माध्यिका हो गई वो ए बी पे हो गई, ठीक है, ये तो हमारा देखो क्या हो गया एफ, क्या एफ। अब हम क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए अब एफ, एफ के निर्देशांक निकाल लो, क्या एफ के निर्देशांक निकालने के क्या होगा,
भाई ए और बी का मध्य बिंदु, बीच का बिंदु जो भी है एफ, उसे हम निकाल लेंगे। तो क्या एक्स वन प्लस एक्स टू, अभी इसे मिटालना पड़ेगा दोस्तों, ठीक। चलिए मैं यहां पे बता दे रहा हूं आपको, एफ के निर्देशांक, एफ के निर्देशांक। अब एफ के निर्देशांक निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, ए और बी। तो अब हमारा ए एक्स वन बाई वन और बी, बी क्या हो गया हमारा एक्स टू वाई टू हो जाएगा, एक्स टू और वाई टू, ठीक है। तो एफ के निर्देशांक निकालने के लिए हमें फार्मूला लगा देंगे, बराबर एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू कॉमा वाई वन प्लस वाई टू अपॉन टू। भैया एक्स वन निकाल लीजिए चार प्लस एक्स टू छः बट्टे दो, और कॉमा बाई वन दो प्लस बाई टू यानी पाँच बट्टे दो, क्या हुआ हमारे छः चार दस बट्टे दो, दो एकम दो, दो पंजे दस, कॉमा पाँच दो सात, सात बट्टे दो, हमारा क्या आ गया पाँच कॉमा सात बट्टे दो, ठीक पांच कॉमा सात बट्टे दो। अब जो F हमारा बिंदु आ गया, F का जो निर्देशांक आया वो क्या आ गया पांच कॉमा सात बट्टे दो, कोई दिक्कत नहीं, बस एक चैन चल रही है ये, ठीक है। अब हमारा आ गया, अब क्या कह रहे हैं आगे माध्यिका को सीबी क्यू के निर्देशांक, हमारा एफ के निर्देशांक आ गया। हाँ तो अब क्या कह रहे हैं क्यू, क्यू का निर्देशांक निकाल लो। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे क्यू के निर्देशांक निकालने के लिए, भाई क्यू के निर्देशांक निकालने के लिए हमारा अब हो गया एक्स वन, एक्स वन बाई वन और एक्स टू वाई टू, ठीक है क्योंकि निर्देशांक निकल जाए निकल जाएगा थर्ड पार्ट। अब क्यू के निर्देशांक निकाल लो भैया, तो हमारा क्या हो गया एक्स वन भाई, क्यू के निर्देशांक निकालने के लिए क्या होगा भाई सी और एफ, ठीक बिंदु मान लिए एक्स वन बाई वन एक्स टू बाई टू, थर्ड पार्ट चल रहा है ना, ठीक। क्यू के निर्देशांक, अब क्यू के निर्देशांक निकाल लो भैया एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन अपॉन एम वन प्लस एम टू, ठीक कॉमा एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन अपॉन एम वन प्लस एम टू। अब जो बिंदु की वैल्यू है उन्हें इस फार्मूले में फिट कर दीजिए। तो M1 तो हमारा जो रेशियो था वो क्या था हमारा रेशियो, रेशियो दो अनुपात एक, दो अनुपात एक रेशियो है लिख दे रहे हैं, दो अनुपात एक यानी कि M1 और M2, ठीक M1 हो गया हमारा दो इंटू एक्स टू, एक्स टू हो गया पाँच, ठीक प्लस M2 हमारा हो गया एम टू वन इंटू एक्स वन, एक्स वन हो गया वन बट्टे एम वन प्लस एम टू यानी कि दो प्लस वन कॉमा एम वन
टू इंटू वाई टू सात बट्टे दो प्लस एम टू वन इंटू वाई वन, वाई वन हो गया चार बट्टे एम वन प्लस एम टू यानी दो प्लस वन प्लस मल्टीप्लाई कर लीजिए पांच दूना दस प्लस वन की वन से की वन दो और एक तीन कॉमा भाई दो से दो कैंसिल हो गया बच्चा सात प्लस चार एक कम चार दो और एक तीन ठीक दस और एक ग्यारह बट्टे तीन कॉमा सात चार ग्यारह बट्टे तीन यानी कि जो हमारा Q के निर्देशांक आए Q के वो भी ग्यारह बट्टे तीन आया और ग्यारह बट्टे तीन आया ठीक। अब देखिए क्या कह रहे हैं, अब हमें बिंदु E यानी कि E के माध्यिका BE BE में E के निर्देशांक ज्ञात करना है। निकाल लो भैया देखिए E के निर्देशांक फार्मूला लगा लीजिए तो E के निर्देशांक ये ग्यारह बट्टे तीन आ गया हमारा और अब सात प्लस चार थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ दोस्तों एक मिनट रुक जाइए कहाँ पे चल रहे थे हम। अच्छा ये पिछला है ठीक ई के निर्देशांक ई के निर्देशांक अब ई के निर्देशांक निकालने के लिए क्या करेंगे आप क्या करेंगे दोस्तों भाई ए और सी बिंदु मान के निर्देशांक ई का हम निकाल लेंगे ठीक। बीच का बिंदु निकालने के लिए एक्स वन प्लस एक्स टू ठीक अपॉन टू बाई वन प्लस बाई टू अपॉन टू तो ई के निर्देशांक अब हमारा एक्स वन बाई वन और जो हो गया अब एक्स टू और बाई टू तो एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू कॉमा बाई वन प्लस बाई टू अपॉन टू ठीक। एक्स वन चार प्लस एक्स टू वन बट्टे दो कॉमा बाई वन दो प्लस बाई टू चार बट्टे दो बराबर आ गया हमारा चार और एक पाँच पाँच बट्टे दो कॉमा चार और दो छः छः बट्टे दो दो एकम दो दो तिया छः यानी कि पाँच बट्टे दो और कॉमा तीन तो ये हमारा ई का निर्देशांक आ गया कौन सा पाँच बट्टे दो कॉमा तीन। अब आर के निर्देशांक निकाल लो ठीक क्या चीज आर के निर्देशांक आर के निर्देशांक भैया आर के निर्देशांक निकालने के लिए फॉर्मूला हम वो लगा लेंगे एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन बट्टे एम वन प्लस एम टू कॉमा एम वन बाई टू प्लस एम टू बाई वन अपॉन एम वन प्लस एम टू ठीक। एम वन हमारा दो इंटू एक्स टू क्या एक्स टू। अब भैया हमारा देखिए ध्यान से अब हमारा हो जाएगा ये एक्स वन हो जाएगा एक्स वन बाई वन और एक्स टू वाई टू
सही है, बी का निर्देशांक निकालना ना, जिसमें आर के निर्देशांक निकालना है। ठीक, तो 2 × x2 हो गया हमारा 5/2 प्लस m2 1 × x1। अब x1 हमारा हो गया 6/m1 + m2 यानी कि 2 + 1 कॉमा m1 2 × y2 / 2 यानी 3 प्लस m2 1 × y1 यानी कि 5/2 + 1 दो से दो कैंसिल हो गया तो 5 बच्चा खाली और प्लस 6 × 1 = 6/3 कॉमा 3 × 2 = 6 + 5 × 5/2 = 3 तो 6 × 5 = 11 / 3 कॉमा 6 × 5 = 11 / 3 यानी कि आर के भी जो निर्देशांक निकला वो भी 11/3 और 11/3 निकला। यानी कंडीशन हमें क्या कह रहे हैं, जो हमारा PQR जो बिंदु PQR के तीनों के निर्देशांक क्या निकला, सेम निकला 11/3 / 11/3 तीनों के निर्देशांक PQR के यही निकले। ठीक, क्या आप इसमें क्या देखते हैं, चौथा पॉइंट। अब इसमें चौथा पॉइंट क्या कह रहे हैं, आप इसमें देखते क्या है। ठीक, तो देखो मिटाल के लिख लो, अब आप इसमें क्या समझते हैं चौथा पॉइंट। तो बना के लिख दीजिए अपनी तरफ से, हम इसमें यह देखते हैं कि पी क्यू आर के जो निर्देशांक हैं वो एक समान है। हम इसमें देखते हैं कि निर्देशांक PQR के निर्देशांक समान है क्योंकि भाई तीनों PQR के सब निर्देशांक 11/3 / 11/3 ही निकल गया, तो इसमें क्या दिक्कत है भाई, सभी के निर्देशांक समान हो जाएंगे। ठीक, और अब जो इसका पांचवा पार्ट है वो पार्ट लंबा है, ठीक है, वो मैं अगली वीडियो में आपके लिए बताऊंगा। ठीक दोस्तों आप मेहनत से पढ़िए, बोर्ड के एग्ज़ाम आने वाले हैं दोस्तों, ठीक है, कोशिश कीजिए रात में 2-2 घंटे मैथ को लेके बैठिए कम से कम। और मैथ का देखिए मैं कुछ आपको सीख देने वाली बात बता रहा हूँ, मैथ को हमेशा रात में कीजिए, सुबह के टाइम मॉर्निंग टाइम में हमेशा याद करने का कीजिए, ठीक है। और जो हिंदी सब्जेक्ट है आपका और सोशल साइंस है, हिंदी सब्जेक्ट और सोशल साइंस जो सब्जेक्ट है ना, इसमें ज़्यादा कोई रटने की ज़रूरत नहीं है, गद संग जो गद है हमारी, ठीक है, उसे तो पूरा समझ के आप कर सकते हैं, मगर काव्य में बस थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, क्या जो उसके पद वगैरह हैं वो देखना पड़ेंगे आपको। और जो आपकी सोशल साइंस है सामाजिक विज्ञान, उसमें तो सब समझना है, बस रट्टा कुछ नहीं लगाना है। ठीक दोस्तों, और आगे कुछ मुझसे बन पड़ेगा, मैथ का टीचर फिर भी मुझे एक्सपीरियंस है इन चीज़ों का, ठीक है। हाई स्कूल तक तो सभी इंग्लिश को छोड़ के सभी सब्जेक्टों मुझे एक्सपीरियंस अच्छा खासा है, बट मैं इसमें मैथ की वीडियो बनाता हूँ तो मैथ आपको बता रहा हूँ। ठीक दोस्तों, चलने की आज्ञा दीजिए, ठीक, हमेशा आप खुश रहें, अच्छे रहें। जय हिंद, जय भारत।